कहा जाता है कि यार बेटी बचाओ और एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रही है, आपने भी इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर करी थी, आई टॉक अबाउट आसिफ, क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितनी शर्मनाक बात है ये? वेल इट्स सैड, इट्स ट्रेजिक, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, एंड द पीपल बिहाइंड इट शुड बी पनिश्ड. एंड आई थिंक एक 8 साल की बच्ची को एज ए सोसाइटी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बहुत शर्म की बात है. एंड बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं. आई फील वेरी अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो. आई थिंक इसको यू नो छोटी बच्चियों को लेके और ख़ासकर उनके साथ जो रेप हुआ उसको लेके यू शुड नॉट मेक इट पॉलिटिकल. आई थिंक जस्टिस इज वॉट वी शुड बी फाइटिंग फॉर एंड आर्ग्यूइंग अबाउट, नॉट अबाउट मेकिंग द इशू पॉलिटिकल. दैट्स व्हाट आई थिंक. वेल आई थिंक सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अनु मैम को, शशि सर को, कि वो एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जिसको वो हर साल करते हैं, एंड इस साल मैं भी उसका हिस्सा बन पाई. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि हम लड़कियों को बढ़ावा दें, क्योंकि लड़कियाँ भी देश के लिए उतनी ही गौरव ला सकती जितना कि लड़के. एंड आई थिंक कोई भी क्षेत्र हो, गर्ल्स आर डूइंग सो मच बेटर. सो आई फील वेरी स्ट्रांगली, मैं भी आज जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ हाउ शी हाउ मच शी पुश्ड मी, हाउ मच शी सपोर्टेड मी. सो सो या आई एम ऑल फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता कुछ करने का, उनको फ्लो करने बढ़ने नहीं दिखा देना चाहते? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए, क्योंकि ड्रीम्स पूरी होती हैं, ज़रूर होती हैं. और मैं जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, हमारे आसपास के मेन और वुमेन हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि एक अच्छे समाज की जो नींव होती है वो एक औरत रखती है. सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमेन make for a strong society. We should never forget that.